एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो, क्योंकि इसमें मैं बनाने वाली हूँ आज बर्गर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्गर में ऐसा क्या स्पेशल है, ये तो वीडियो पूरी देखिए आपको पता चल जाएगा बर्गर में ऐसा क्या स्पेशल है, इन बर्गर्स के साथ क्या होने वाला है। तो मैंने सोचा चलो रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल डाला, जीरा डाला और प्याज डाला। जब प्याज अच्छे से भुन जाए, ब्राउन हो जाए, तो यहाँ पे मैंने पोहा जो है वो धो लिया था पहले ही, और धो के इसका सारा पानी निकाल लिया था। तो यहाँ पे मैंने पोहा डाल दिया इसके अंदर। पोहा जो है वो एज अ बाइंडिंग एजेंट काम करेगा। तो प्याज के अंदर जब आपने पोहा डाला तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि पोहा थोड़ा मतलब सूखा सूखा सा होता है तो थोड़ा सा मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे से कड़छी से इसको मिक्स कर दीजिए प्याज के अंदर। अब जब ये अच्छे से बढ़िया से पोहा इसमें मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे मसाले। तो मसालों में मैंने हल्दी डाली है, बेसिक मसाले डालने हैं आपको सारे। तो यहाँ पे हल्दी डाल दीजिए, मिर्च डाल दीजिए, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको ज्यादा स्पाइसी बनाना है थोड़ी ज्यादा, पर मैं जिस पर्पज के लिए बना रही हूँ तो मैंने तो नॉर्मली डाली थी। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। धनिया पाउडर के बाद मैंने डाला था गरम मसाला, गरम मसाला भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने MDH का चाट मसाला भी यहाँ पे यूज किया था। तो मतलब जितने भी बेसिक मसाले हैं आपके घर में हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आमचूर भी डालिए, मैंने यहाँ पे आमचूर डाला, गरम मसाला डाला, और सारे मसालों को फिर हमें अच्छे से इसमें मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जब मिक्स हो जाते हैं ना मसाले तभी उनका टेस्ट आता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं MDH का गरम मसाला यूज कर रही थी। मुझे गरम मसाला तो MDH का ही बहुत अच्छा लगता है, और किसी ब्रांड का मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के गरम मसाला डाल दिया था, और यहाँ पे सारे मसाले अब डल चुके हैं। तो अब इसको बढ़िया से करेंगे मिक्स, जैसे ये बढ़िया इसका टेस्ट आए अच्छा सा। तो यहाँ पे मैं मसाले मिक्स कर रही थी। उसके बाद ये आलू, मैंने ये आलू उबाल के कद्दूकस कर लिए थे। कद्दूकस करके ना आलूओं का टेस्ट ही अलग आता है, ये मैंने मतलब नोटिस किया है कि अगर आप कद्दूकस करके आलू डालते हो तो उसका अलग टेस्ट आता है। एक वो हाथ से फोड़ने वाले अलग होते हैं, कद्दूकस करिएगा आपकी बार बर्गर बनाए तो। यहाँ पे बहुत सारे आलू, ऑलमोस्ट 2 किलो आलू मैंने लिए थे, और उसको उबाल के कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने इस मिक्सर में इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि आलू ही मेन रोल प्ले करेंगे टिक्की बनाने में। तो यहाँ पे आलू डाले, और उसके बाद देखिए अच्छे से पूरे पोहे में मसाले में इन आलूओं को आपको मिक्स करना है, क्योंकि जब आलू का टेस्ट अच्छा आएगा ना तभी टिक्की का टेस्ट अच्छा आएगा। तो मसाला जो है वो अच्छा बनना चाहिए। तो यहाँ पे ये डाल दिया, आप ये देखिए ये बन गया आलू अच्छे से। और उसके बाद आलू को हम धीरे धीरे, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा मिक्सचर, तो यहाँ पे अब हमें टिक्कियाँ बनाने का काम करना है। तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही थी हाथ से। हैंड अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, क्लीन कर लिए थे, और यहाँ पे मैंने सारा मिक्सचर मिक्स कर लिया था। वैसे तो कद्दूकस किया था तो कोई गांठे तो नहीं थी, लेकिन आप गांठे वगैरह हो तो फोड़ लीजिएगा उसको। और यहाँ पे देखिए मैंने टिक्की बनानी शुरू कर दी। तो मैंने गोल गोल शेप देनी शुरू कर दिया टिक्कियों को, और काफ़ी टेस्टी बनती है। मतलब इस तरीके से बनाओ तो बहुत अच्छा बनता है। कुछ लोग राइस का आटा मिक्स करते हैं, पर मैंने आपकी बार पोहा ट्राई किया, और पोहे से सच मानिएगा बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट की तरह पोहा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टिक्की को जो है वो गोल गोल शेप देनी शुरू कर दी है। यहाँ पे टिक्कियां बनने बन के तैयार हो रही है। और उसके बाद टिक्की बनने के बाद अब हम एक नए मेथड से इसको फ्राई करेंगे, बिल्कुल बर्गर किंग वाला मेथड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड्स ले लिए थे, इसका मैं बनाऊंगी ब्रेड क्रम्प। तो मैंने ये सारे इसमें भर दिए। अब इसमें ये मैं इसको मिक्सर में चला के और इसको बना लूंगी, इसके चूरा बना लूंगी, ब्रेड क्रम्स बना लूंगी इसके। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ एक अलग मेथड है, बिल्कुल बर्गर किंग वाला बर्गर बनेगा। ये कॉर्नफ्लावर है, तो मैंने 5 चम्मच बड़े वाला कॉर्नफ्लावर लिया था, और कॉर्नफ्लावर के साथ ही इसमें हम मिक्स करेंगे मैदा। तो मैंने 5 मतलब इक्वल क्वांटिटी ली थी, जितना मैदा उतना कॉर्नफ्लावर। तो 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 5 चम्मच मैदा, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और नमक डालने के बाद और भी कोई मसाला आपको डालना हो तो, पर नमक काफी है। और उसके बाद पानी डाला इसमें, और धीरे धीरे करके आपको एक मिक्सर बनाना है। और मिक्सर आपको इस तरीके से बनाना है कि ना ज्यादा थिक हो और ना ज्यादा थिन हो, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का आपको मिक्सर बनाना है। अभी देखिए आपको दिखेगा कैसा मिक्सर बना है। तो ये देखिए इस तरीके का, कि उसमें टिक्की डूब जाए, उस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। और यहाँ पे मैंने टिक्की ली। अब टिक्की को मैं सबसे पहले तो कॉर्नफ्लावर में डुबाऊंगी, और कॉर्नफ्लावर में अच्छे से लपेटने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में डालूंगी, और ब्रेड क्रम्स अच्छे से इस पर चिपक जाने चाहिए, क्योंकि तभी क्रिस्पी टिक्की बनेगी। और ये है बर्गर किंग वाला स्टाइल, बिल्कुल बर्गर किंग वाली स्टाइल की टिक्की बनती है इससे। तो यहाँ पे देखिए ये पूरे ब्रेड क्रम्स इस पर लिपट गए। अब इसको फ्राई करेंगे, मैं डीप फ्राई करके ही बनाती हूँ, कई बार शैलो फ्राई भी कर लेती हूँ, पर इसको डीप फ्राई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर की कोटिंग है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला, और इसको बढ़िया अब हम डीप फ्राई करेंगे। और डीप फ्राई करने के बाद देखिएगा कितनी बढ़िया टिक्की निकलेंगी, एकदम करारी करारी, बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब आवाज आती है कच्ची खाने के बाद। ये देखिए टिक्कियां यहाँ पे बन गई हैं, टिक्कियां बहुत सारी, मैंने ऑलमोस्ट 20 बर्गर की टिक्की तैयार की थी। तो टिक्की बनने के बाद अब हम इसको पूरा असेंबल करेंगे बर्गर को। तो बर्गर जो है इंग्लिश ओवन के यूज करे थे, मेयोनीज ले ली थी दोनों तरीके की, तंदूरी भी और नॉर्मल मेयोनीज भी। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे देवर हैं दोनों के दोनों, ये मेरी हेल्प कर रहे थे बर्गर असेंबल कराने में। तो बस सिंपल सा मेथड था कि
बर्गर लिया था और उसके बाद उस पर टिक्की रखी थी, प्याज टमाटर रखे थे, दोनों तरीके की मेयोनीज लगाई थी, चीज़ भी मंगाई थी मैंने मदर डेरी की, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ भी लगाई थी क्योंकि चीज़ी बर्गर अच्छा लगता है। और ऐसे करके हमने ऑलमोस्ट 20 बर्गर तैयार किए थे। और आपको अब आगे रीज़न पता चलेगा कि 20 बर्गर क्यों तैयार किए थे। 20 बर्गर इसलिए तैयार किए थे क्योंकि मैं गई थी गौशाला में और वहाँ पे हमने बच्चों को जो है वो बर्गर बांटे थे। बच्चे बहुत ही खुश हो गए, उन्हें बहुत मज़ा आया बर्गर खा के। जब मैं गई तो वहाँ पे भीड़ लग गई, सारे बच्चे बड़े आसपास आ गए, लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट बच्चों को ही किए थे तो उनको बहुत ही टेस्टी लगे थे बर्गर्स। तो यही पर्पस था बस मेरा कि मैं यही बनाऊं बर्गर, इन बच्चों के लिए बनाऊं। तो यही बर्गर की ये वीडियो है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।